इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, जो अभी आजकल अंडरग्राउंड बहुत सारी यूटिलिटीज आ रही है उसका काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी में से एक जो यूटिलिटी प्रोवाइडर है उसमें जो जेसीबी वर्क काम कर रहा था तो पाइपलाइन उसको दिखाई दे नहीं तो उसका डैमेज हो गया। लेकिन पाइप गैस ये जो रहता है अनइंटरप्टेड सप्लाई रहता है, इसकी वजह से गैस बाहर आने लगी, तो हमारी जो टीम है वो साइट पर पहुँची और हमारे जो लोकल फायर सर्विसेज का भी सपोर्ट मिला, उनके सहायता से हमने वो जो फायर नहीं हुई थी, गैस लीक हुआ था और जो गैस लीकेज है वो हमारी टीम ने विद इन टाइम उसको कंट्रोल कर लिया और अभी वहाँ पर सब सेफ है। और ये ना हो इसके लिए हम जो भी यूटिलिटी और गवर्नमेंट है उनको हम लोग बताते रहते कि कहाँ पर हमारी लाइन है और कहाँ पर अगर उनकी काम चलती रहेगी तो कृपया हमें बताएं ताकि ये ऐसे इंसिडेंट ना हो। और इसके लिए हमारी जो भी 24/7 हमारी पेट्रोलिंग चालू रहती है और बाकी जो टीम्स वहाँ पे अवेलेबल रहती है वो पूरा सपोर्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट होता है तो वो कंट्रोल में लाने के लिए भी हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है।